मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ भोमाराम एंड वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस ऑफ मंगल बाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेलवा। एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड लेसन पोइम नंबर फर्स्ट, रिस्क, यानी होता है जोखिम में। आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है रिस्क, यानी जोखिम में। तो ये एक मोटिवेशनल पोइम है, यानी प्रेरणादायक का जो है कविता है, जिसमें कवि जो है मानव हृदय की जो है अंतर मन की गहराइयों को बताते हुए कहता है कि जीवन जो है जोखिमों से भरा हुआ है और बिना जोखिम जो है हम जिंदगी को बखूबी जो है जी नहीं सकते। तो इसमें कहा गया है टू लाफ इज टू रिस्क, टू लाफ यानी हंसना, इज टू रिस्क यानी जोखिम में, अपीयरिंग यानी लगते हैं हम द फूल यानी मूर्ख, टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। हंसना भी एक जोखिम में, क्योंकि इससे हम मूर्ख प्रतीत होते हैं, लगते हैं। टू वीप इज टू रिस्क, टू वीप यानी रोना जो है वो भी जोखिम में, अपीयरिंग सेंटिमेंटल, इससे हम भावुक लगते हैं, लोग समझते हैं कि ये बड़ा भावुक व्यक्ति है, तो ऐसे हम जो है भावुक लगने लगते हैं। हंसना जोखिम में क्योंकि मूर्ख लगते हैं, और रोना जोखिम में क्योंकि इससे हम सेंटिमेंटल लगते हैं। टू रीच आउट फॉर अनदर, अनदर यानी दूसरों की, रीच आउट यानी मदद करना भी एक जोखिम में, क्योंकि इससे वो लगता है कि इन्वॉल्वमेंट है, यानी वो अपनी भागीदारी निभाना चाहता है, लोग समझते हैं कि वो भी जो है इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, इसलिए किसी की मदद करना भी एक जोखिम है, क्योंकि उससे इन्वॉल्वमेंट हम हो जाते हैं, उसके काम में हम भागीदार हो जाते हैं। टू एक्सपोज फीलिंग, एक्सपोज यानी उजागर करना, अपनी भावनाओं को उजागर करना भी एक जोखिम है, क्योंकि इससे एक्सपोज हो जाते हैं, एक्सपोज यानी उजागर होते हैं, ट्रू सेल्फ यानी अपनी सच्चाई उजागर हो जाती है, अगर यानी अपने आंतरिक जो बातें हैं उसका लोगों को पता चल जाता है। टू प्लेस आइडियाज, विचारों को रखना, एंड ड्रीम्स यानी सपनों को रखना बिफोर अ क्राउड यानी एक भीड़ के सामने, वो भी एक जोखिम है, भीड़ के सामने अपने विचारों को और सपनों को रखना भी एक जोखिम है। बीइंग कॉल्ड, क्योंकि उससे कहे जा सकते हैं हम, नेव यानी अनुभवहीन, लोग कहते हैं कि अनुभवहीन है। टू लव इज टू रिस्क, और प्रेम करना भी जोखिम है, नॉट बींग लव्ड इन रिटर्न यानी बदले में प्रेम का नहीं मिल पाना, वापस प्रेम नहीं मिलता है, इसलिए ये भी जोखिम है। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग यानी मरने का, और लिव यानी जीने में मरने का जोखिम है। टू होप इज टू रिस्क डिसअपेयर, और आशा में डिसअपेयर निराश होने का भी जोखिम है। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, और जब हम कोशिश करते हैं तो असफल होने का जोखिम है। तो जीवन जोखिमों से भरा हुआ है, कवि कहना चाहता है कि हंसना जोखिम है क्योंकि उससे हम मूर्ख लगने लगते हैं, रोना जोखिम है क्योंकि भावुक लगने लगते हैं, मदद करना जोखिम है क्योंकि इससे हम इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं उसके काम में, और अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करना भी एक जोखिम है क्योंकि अपनी वास्तविकता का पता चल जाता है, और विचारों को और सपनों को भीड़ के सामने रखना भी जोखिम है क्योंकि हम अनुभवहीन लगने लगते हैं उससे। प्रेम करना जोखिम है क्योंकि उससे बदले में प्रेम नहीं मिल पाता है, और जीना भी एक जोखिम है क्योंकि उसमें मरने का खतरा रहता है। टू होप इज टू रिस्क डिसअपीयर, आशा में भी निराश होने का खतरा बना रहता है, और कोशिश करने में असफल होने का भी जोखिम है, लेकिन अंतिम में कवि एक बात कहना चाहता है, बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन जोखिम निश्चित रूप से लिया जाना चाहिए, बिकॉज क्योंकि द ग्रेटेस्ट हैजर्ड, सबसे बड़ा जो हैजर्ड यानी खतरा है इन लाइफ यानी जीवन में, इज टू रिस्क नथिंग, कुछ भी जोखिम नहीं लेना सबसे बड़ा खतरा है, इसलिए मनुष्य को जोखिम जरूर उठाना चाहिए। द पर्सन यानी वह व्यक्ति हु रिस्क नथिंग, जो कोई भी जोखिम नहीं उठाता है, डज नथिंग, वो कुछ नहीं करता, हैज नथिंग, उसके पास कुछ नहीं होता,
इज नथिंग, वो खुद कुछ नहीं होता, एंड बिकम नथिंग, और कुछ बन नहीं सकता। दे यानी लोग, मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, लोग जो हैं अवॉइड करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं सफरिंग यानी दुखों को, पीड़ाओं को, और सोरो यानी दुखों को, बट दे लेकिन ये लोग, ऐसे लोग जो पीड़ाओं से, दुखों से बचना चाहते हैं, कैन नॉट लर्न, वे सीख नहीं सकते, फील यानी महसूस नहीं कर सकते, चेंज यानी परिवर्तन नहीं ला सकते, ग्रो यानी वृद्धि या विकास नहीं कर सकते, लव यानी किसी से प्रेम नहीं कर सकते, यहाँ तक कि लिव यानी जी नहीं सकते। चेंज बाय देयर सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड यानी निश्चितता की जंजीरों में वे जकड़े हुए, चैन में जकड़े हुए हैं। दे आर स्लेव्स, वे गुलाम हैं। दे हैव फॉरफिटेड, उन्होंने कम कर दी है देयर फ्रीडम यानी अपनी स्वतंत्रता, ऐसे लोग अपनी स्वतंत्रता का हनन कर चुके हैं। ओनली अ पर्सन, केवल एक व्यक्ति ही जो है स्वतंत्र है, ट्रूली फ्री यानी वास्तव में स्वतंत्र है, हु रिस्क, जो जोखिम उठाता है, वह व्यक्ति जो जोखिम उठाता है वो वास्तव में स्वतंत्र है। तो जेनेट रैंड के द्वारा लिखी एक पोइम है, लेट्स रीड अबाउट द पोइम, व्हाट द पोइट वांट टू से द अबाउट द पोइम, कविता से संबंधित। रिस्क इज अ मोटिवेशनल पोइम, रिस्क जोखिम एक प्रेरणादायक कविता है। एवरी एक्ट टू बी डन, हर जो कृति जो की गई है बाय ह्यूमन बीइंग, जो मानव के द्वारा, एंटिसिपेट रिस्क, वो उसमें जोखिम छुपा रहता है। होप में रिजल्ट इनटू डिसअपीयर, और आशा का परिणाम निराशा हो सकती है, एंड लाइफ का डेथ हो सकती है, जीवन का परिणाम मृत्यु हो सकती है। रिस्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, जोखिम जो है वो एक आंतरिक, एक सम्मिश्रण भाग है जीवन का। वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क, जीवन जोखिमों से भरा है। एंड टू ओवरकम फियर, और जोखिमों पर विजय प्राप्त करना, ओवरकम यानी विजय प्राप्त करना, उसके लिए वन यानी किसी को भी निश्चय आवश्यकता होती है, करेज यानी साहस की। सक्सेस इज, सफलता है, ऑल अबाउट, सब कुछ है, हैविंग द करेज, बस साहस का होना ही सफलता है। टू टेक रिस्क यानी जोखिम उठाने का साहस होना ही सफलता है। द पोइट गिव्स अस अ मैसेज, कवि हमें संदेश देता है, टू ह्यूमन बीइंग यानी मानव प्राणी को, टू टेक रिस्क, की जोखिम उठाना चाहिए, इफ दे वांट टू, यदि वे चाहे तो। अचीव यानी प्राप्त करना चाहिए समथिंग यानी कुछ भी, तो उन्हें जोखिम उठाना चाहिए। इफ यू डोंट टेक रिस्क, यदि हम जोखिम नहीं उठाते हैं, देर इज ए चांस ऑफ अवॉइडिंग सोरो, तो हम दुखों को नज़रअंदाज कर सकते हैं। एंड और पेनफुल सिचुएशन यानी जो दुखदायक जो स्थिति है इन लाइफ एंड जीवन में, उससे हम बच तो सकते हैं, बट वी विल बी मिसिंग सो मच, लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ें हमें मिस करनी पड़ेगी, हम गंवा चुके होंगे। विदाउट रिस्क, बिना जोखिम के, बिना जोखिम उठाए, वी वुड नॉट लर्न एनीथिंग, हम कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, इसलिए जोखिम उठाना चाहिए। तो कवि के कहने का तात्पर्य है, हर व्यक्ति को जोखिम उठाना जीवन में बहुत जरूरी है, बिना जोखिम मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। रिस्क यानी होता है जोखिम, सेंटिमेंटल यानी भावुक, इन्वॉल्वमेंट यानी भागीदारी, एक्सपोज यानी उजागर करना, नेव यानी अनुभवहीन, हैजर्ड यानी खतरा, सोरो यानी दुख, चेंज यानी जंजीरों में जकड़े हुए हैं, और स्लेव्स यानी गुलाम हैं, सर्टिट्यूड यानी निश्चितता में, फॉरफेटेड यानी कम कर दी है। इस तरह से कवि जो हैं हमें जोखिम उठाने के बारे में संदेश देते हैं। कवि कहते हैं, हंसना जोखिम में क्योंकि मूर्ख लगते हैं, रोना जोखिम में क्योंकि भावुक लगते हैं, किसी की मदद करना जोखिम में क्योंकि इन्वॉल्वमेंट होने का खतरा रहता है, और खुद को उजागर करना जोखिम में क्योंकि सच्चाई पता लगती है खुद की आंतरिक, और अपने विचारों को और सपनों को भीड़ के सामने रखना जोखिम में क्योंकि उससे हम अनुभवहीन लगने लगते हैं।
प्रेम करना जोखिम है क्योंकि बदले में प्रेम नहीं मिलता है। जीना जोखिम है क्योंकि मरने का खतरा रहता है। उम्मीद करना जोखिम है क्योंकि इसे निराश होने का खतरा रहता है। कोशिश करने में भी असफलता का जोखिम है, लेकिन जोखिम तो उठाया जाना चाहिए क्योंकि द ग्रेटेस्ट हैजर्ड, सबसे बड़ा जो खतरा है जीवन में, वो जोखिम को नहीं उठाना ही सबसे बड़ा खतरा है। वह व्यक्ति जो जोखिम नहीं उठाता है वो कुछ नहीं करता, उसके पास में कुछ भी नहीं होता, वो खुद कुछ नहीं होता है और कुछ भी नहीं बन सकता। वे अपने पीड़ाओं को और दुख को तो नज़रअंदाज कर लेते हैं, लेकिन वे सीख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, विकास नहीं कर सकते, किसी से प्रेम नहीं कर सकते और जी नहीं सकते। इसलिए जोखिम तो जरूरी है जीवन में। वे जंजीरों से जकड़े हुए निश्चितता की और वे गुलाम हैं ऐसे लोग जो जोखिम नहीं उठाते हैं। वे उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को कम कर दिया है क्योंकि उन्होंने जोखिम नहीं उठाया है। केवल वही व्यक्ति सही में या सत्यता में अगर देखे तो स्वतंत्र है जो जोखिम उठाता है। तो जेनेट रैंड जो है इस कविता के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं, हमें प्रेरित करना चाहते हैं कि मनुष्य को जोखिम उठाना चाहिए। यदि आपको ये कविता अच्छी लगी है, इसे 2 से 3 बार पढ़ें, ध्यान से समझें और व्याख्या को करें। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस जो है चैनल पर दिखाई गई इस कविता को आगे शेयर करें और लाइक करें ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू अ लॉट।